किसानों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस 10 सितंबर से किसान न्याय यात्रा निकालने जा रही है। इसकी शुरुआत रतलाम से हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान 20 साल मध्य प्रदेश के मुखिया रहे हैं। उन्होंने 1,00,000 बार किसान की आय दोगुनी करने की बात कही, लेकिन प्रदेश में 10 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में सड़कों पर उतरेगी और प्रदेश के हर जिले में किसान न्याय यात्रा निकालेगी। पिछले 10 साल पहले जो स्थिति थी सोयाबीन की, वही स्थिति आज है। आज लागत मूल्य सोयाबीन का 4,000 रुपए आसपास प्रति क्विंटल हो गया और बिकती 3,800 रुपए में है। मतलब जो दोगुनी आय करने की बात थी, सोयाबीन की फसल चिल्ला चिल्ला के उसके दाम बोल रहे हैं कि इन्होंने धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, विपक्ष की भूमिका हम किसान न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में लगातार इस मूवमेंट को किसानों के हित में उठाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।